हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अरे आप यूं कह लीजिए कि ये ग्रोसरी के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल है। तरह के शॉपिंग मॉल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी की हो या फ्रेश ग्रोसरी की या ग्रोसरी मार्ट्स की। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन सारे ग्रोसरी की ही हैं, आइटम्स ग्रोसरी के हैं। इस तरह से आपके आर्टिफिशियल प्लांट का बनाना चाह रहे हैं, फूड का बनाना चाह रहे हैं, आप रेस्टोरेंट है या होटल्स वगैरह हैं, आप फूड का आप सप्लाई करना चाहते हैं, चीज़ें अगर आप बनवाना चाहते हैं, हमसे बनवाना चाहते हैं या खुद से बनाना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बना सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के बारे में कहा गया स्टे होम स्टे सेफ, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा है, कुछ ऐसा बनाइए, ऐसे वीडियो बनाइए जिस वीडियो में कुछ शॉपिंग कार्ट के साथ साथ मल्टीपर्पस चीजें हो, मतलब मल्टी वेंडर के सिस्टम स्टार्ट हो। तो बहुत से लोगों ने कहा कि मल्टी वेंडर की वेबसाइट अगर हमें बनवानी है तो किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो मतलब ये कि शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें लोगों ने पूछा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक चीज़ आपके सामने लेके आऊँ, जो ताकि जहाँ पे आप हर चीज़ आप कर सकते हैं, आप ग्रोसरी से लेकर आप जो भी चीज़ें आप चाहेंगे आप इसमें सेल कर सकते हैं। फूड हो गया, इस तरह से बुक्स हो गया, या इसके अलावा आपके यहाँ कोई आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह है, जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आप सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। मैं वन बाय वन करके आपको सब चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग इसमें एक 10-12 के आसपास इसमें के टेम्पलेट्स हैं, उस सारे टेम्पलेट्स का आप यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी हो गया, इस तरह से ये अगर आप इसका ये करना चाह रहे हैं, शॉपिंग बैग वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स वगैरह करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है। ज्वेलरी है, शर्ट्स है, टी शर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो बहुत इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं सबको एक एक करके मैं दिखाता हूँ, उसमें से उसका एक पूरा रिव्यू करूँगा। पहले हम सबसे पहले चलते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं, किन किन फीचर्स पे काम करेगा ये, उसके फीचर्स की तरफ देख लेते हैं। तो खैर, फीचर्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूनिक फीचर्स हैं इस पर। यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं वो माउस, हाउएवर आप जब माउस जब आप कहीं पे किसी प्रोडक्ट पे आप चेक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो उसमें माउस हाउएवर होगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसी को करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे तो ये इसको कहते हैं माउस हाउएवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छा है, मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छा है, अच्छा थीम है। आप यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, तीन तीन करके एक वो दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है। आप किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, वो भी प्लस प्लस से दिखेगा, जैसे आप माउस लेके जाएंगे तो उस प्रोडक्ट्स जो है इसका दूसरा प्रोडक्ट्स वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लुक एंड फील है, आप इसका अच्छे से देख सकते हैं। तो ये मोबाइल फ्रेंडली हो गया। सर्च का जो फंक्शनैलिटी है वो जबरदस्त सर्च की फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे सर्चिंग जो फंक्शनैलिटी ऐसा दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स आप सर्च करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है एप्पल, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। इसके अलावा जिसमें फीचर्स दिए गए हैं वो वन क्लिक इंस्टॉलेशन है, अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, किसी भी टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वन क्लिक इसका डेमो है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसका कस्टम स्लाइड्स वगैरह आप बना सकते हैं, जो भी कस्टम स्लाइड्स वगैरह हैं वो स्लाइड आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये इस तरह से ये स्लाइड अभी चल रहा है, इस तरह से सकते जैसे ये स्लाइड अभी चल रहा है, ये लोगो वगैरह, तो इस तरह से कस्टम स्लाइड वगैरह आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद इंक्लूडिंग यहाँ पे RLTRT, इसका मतलब ये होता है LTR और RTL का मतलब होता है कि राइट, कुछ लैंग्वेज जो होती है वो राइट लैंग्वेज होती है और कुछ लैंग्वेज होते हैं लेफ्ट लैंग्वेज होती है। जैसे ये इंग्लिश आपका लेफ्ट लैंग्वेज है, बट जैसे आप इसको अरबिक करेंगे तो अरबिक में चला जाए, अरबिक उर्दू में, तो ये लेफ्ट लैंग्वेज भी चला जाएगा। राइट, तो इसलिए लेफ्ट लैंग्वेज राइट लैंग्वेज दोनों सपोर्टेबल है। अगर आप दुबई में है, सऊदी में है, कतर में है, या फिर इस तरह से अरबिक कंट्री में, अगर आप अरबिक में बनाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं, बिल्कुल ईजिली बनवा सकते हैं हमसे वेबसाइट।
खैर इसके अलावा बैनर वगैरह है, बैनर आप लगा सकते हैं, बैनर है, स्लाइड ऑप्शन है, तो आप बैनर मल्टीपल ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल होगा, एक तो ग्रेड होगा, दूसरा एक लिस्ट होगा, और दोनों तरह के प्रोडक्ट इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखे बेबी केयर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोनों तरह का ऑप्शन है, ये जो है ये ग्रिड है, ये ग्रिड ऑप्शन है, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये लिस्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों तरह का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, यही ऑप्शन आपको बिग बास्केट में मिल जाएगा, यही ऑप्शन आपको क्या नाम है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे वेबसाइट पे है, ग्रोसर पे मिल जाएगा, ग्रोफर में मिल जाएगा, इस तरह के ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्विक व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक व्यू ऑप्शन है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अनलिमिटेड लैंग्वेज सपोर्टेड है, यहाँ पे इसमें जितने भी लैंग्वेज है, जहाँ पे जिस कंट्री से भी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के सपोर्टेबल है, जैसे अरबिक में है, ये होता है लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन, जो है ये हो गया राइट का, तो राइट लैंग्वेजेस भी इसमें सपोर्टेबल है, अरबिक भी इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है लैंग्वेजेस के बारे में, तो आप लैंग्वेजेस चेंज करना चाहें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और देखना चाहें देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब अनलिमिटेड करेंसी आप सपोर्टेबल है, आप करेंसी कोई भी करेंसी लीजिए, कहीं का भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इसमें अनलिमिटेड करेंसी वगैरह शो करा सकते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, इस तरह से रुपीज हो गया, INR हो गया, यूरो हो गया, तो इस तरह जो भी आप करेंसी इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। बेसिक कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट है, हाँ अगर आप खुद डेवलपर हैं, डेवलपर करना चाहते हैं इस तरह के, तो आपको बेसिक कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी है, बट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल इजीली बनवा सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल इजीली बनवा सकते हैं। राइट, इसका आप प्रोडक्ट्स के स्लाइड टैब अगर आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट के स्लाइड टैब किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स के आप मल्टी टैब बनाना चाह रहे हैं, स्लाइड टैब के सिस्टम अगर करना चाह रहे हैं, जैसे ये है, जैसे ये आपका ये इसको कहते हैं स्लाइड टैब, प्रोडक्ट स्लाइड टैब। ठीक है, जैसे बेबी केयर हुआ, यहाँ पे डेयरी एंड बेकरी का हो गया, इस तरह से ऑयल एंड स्पाइसेस का हो गया, ये क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड का हो गया, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्लाइड टैब। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स के स्लाइड टैब है, तो इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं। ऑल मेजर ब्राउज कंपेटेबिलिटी, मतलब ये कि आप कोई भी ब्राउजर पर ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, यूसी ब्राउजर में, या फिर क्या ओपेरा में, कहीं भी ओपन कर सकते हैं, और 100% रिस्पॉन्सिबल डिजाइन है, आप इसमें देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा ये ढल जाएगा, आप छोटा चाहेंगे बड़ा चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबल इसी को कहते हैं कि जो चीज जिसमें जो चीज यूज करें, जैसे अगर आप टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट के ये आकार का ले लेगा, अगर आप यही चीज़ अगर लैपटॉप में यूज़ करें तो लैपटॉप का आकार का ले लेगा, देख रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इसमें का बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, आप मोबाइल का लेंगे मोबाइल का आकार का ले लेगा, तो इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, तो ये 100% रिस्पॉन्सिव है। इसका डायनेमिक लेआउट है, आप जब भी चाहे लेआउट किसी चीज लेआउट को आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैटिक में क्या होता है कि वो लेआउट आप चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक आपको कोडिंग की नॉलेज 100% नहीं आती है, तो इसमें आप कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये ओपन कार्ड के रिसोर्सेज में है, ओपन कार्ड के चीज़ें आप उसमें आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट जूम एंड इमेज स्लाइडर, आप प्रोडक्ट को जूम करना चाहेंगे, जूम करके देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट्स को देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर भी इस तरह के ऊपर भी आ सकते हैं, ये प्रोडक्ट के स्लाइडर है, स्लाइडर चल रहा है, ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो ये जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप दूसरा प्रोडक्ट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये दूसरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए ये नीचे है। ठीक है, तो जैसा आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, छोटा बड़ा जैसे देखें कितना खूबसुरत सा जूमर लगा हुआ है, लुक लाइक फील क्या नाम है फ्लिपकार्ट बिग बास्केट जैसा इसमें लुक एंड फील है इसका है। ठीक है, आप इसमें अच्छे से इसका देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स ये है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये है, इसमें प्रोडक्ट्स की पूरी डिस्क्रिप्शन इस तरह का है, तो इसमें मल्टी चीज़ें हैं, डेट है, टाइम है, कब इसमें ऑर्डर करेंगे वो डेट एंड टाइम दिया गया। अगर आप इसके अलावा यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पेज, अगर आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पेज आप बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं हमसे, तो अपने कस्टमाइज पेज प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। चेकआउट के प्रोडक्ट्स आप उसमें दिख जाएगा आपको, चेकआउट है, आप चलिए ये आगे चेकआउट का, यहाँ पे आप चेकआउट पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो ये इस तरह से ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये चेकआउट पे आ गया, अब यहाँ पे आ जाते हैं इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जाएगा, अगर आप डेवलपर हैं तो आपको A to Z इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा, किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करें, किस तरह इसको ये करेंगे, तो पूरा A to Z दिया जाएगा। सर गूगल फॉन्ट भी सपोर्टेबल है, ये ट्विटर ये बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करता है, यूनिक क्वालिटी डिजाइन इसके अंदर दिया गया, रिलेटेड प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं मैंने जो आपको दिखाया अभी कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स किस तरह से दिखेंगे, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, 3-4 के आसपास रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। खैर यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी आप ऐड करना चाहें, जितना क्वांटिटी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। ये फीचर्स आपका वहाँ पे फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट्स की अगर आप
विदाउट व्यू किए हुए अगर आप उसके ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, बस इस पर क्लिक कीजिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिग बास्केट की तरह फीचर्स है, बट इसमें थोड़ा लुक एंड फील उनसे कुछ अलग हटके है। ठीक है, बिग बास्केट लुक लाइक जैसा नहीं है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था लुक लाइक बिग बास्केट जैसा, इन बिग मार्केट के जैसा बनाया था, बट ये थोड़ा उससे हटकर है। तो खैर आप इसमें ये चीज बनवाना चाहे बना सकते हैं हमसे। तो इस तरह का यहाँ पे जो चेकआउट आ गया था, इसमें गेस्ट का ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन आएगा इसमें वो इस तरह का है कि आप कोई भी इसमें, मैं अभी डाल देता हूँ ये सारी चीजें आगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी कंपलसरी है, तो ईमेल आईडी में ये ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पिन कोड डेली के यहाँ पे लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक कर इसमें फ्लैट रेट आ जाएगा। अगर शिपिंग चार्जेस अगर लेना चाहते हैं आप तो शिपिंग चार्जेस भी इसमें आ जाएगा, नहीं लेना चाहते तो ऑप्शनल है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसका तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट गेटवे जो भी आप रखना चाहें इसमें रख सकते हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे आप लगवा सकते हैं इस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, इसमें टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, उसके बाद इसको आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर आपको कंफर्म हो जाएगा और ये एडमिन के पास पहुंच जाएगा। तो खैर ये तो अभी डेमो वेबसाइट है, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह की चीज़ें की है, इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम, ये मैसेज भी अगर आप कस्टम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरे वेबसाइट जो है, इस तरह से हम डिज़ाइन हम कर आराम से और ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। राइट, तो ये तो रही सारी फीचर्स की जो हम का डेस्कटॉप में देखें। अब हम चलते हैं इसके मोबाइल के व्यू, मोबाइल का जो व्यूज देखे हैं तो मोबाइल में भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। ये बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आपको मैंने जो दिखाया इसमें कोई भी टेम्पलेट आप देख सकते हैं, सारे टेम्पलेट 100% रिस्पॉन्सिबल है। एंड आप यूं कह लीजिए कि ये ग्रोसरी के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल अगर आप खोलना चाहते हैं, देखिए कितना जबरदस्त है ये लुक लाइक, फ्लिपकार्ट जैसा है, आप वैसा ही एकदम देख सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट जिस टाइप से ये है उसी टाइप से ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है और देखने में अच्छा लग रहा है। इस टाइप की चीज़ें अगर आप बनवाना चाहते हैं, हमसे बनवाना चाहते हैं या खुद से बनाना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बना सकते हैं। मैं बहुत रिसेंटली इसका एक वेबसाइट में आपको बना के दिखाने वाला हूँ कुछ ही दिन में, और उसमें आप देख लेंगे अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो कितना बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं अगर हम अगर आप हमसे इसे बनवाना चाहते हैं तो आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमसे बनवाना चाहते हैं इसके कॉस्ट जो अराउंड ये पड़ेगा आपका 10,000 से 30,000 से 40,000 तक आपका पड़ सकता है, इस पर डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन मिनिमम कॉस्ट इसकी, अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है, जो चेंज जो चीज़ें जो भी टैम्पलेट इसके अंदर दिए हुए हैं, जो चीज़ें इसमें मौजूद है, अगर वही चीज़ आपको करना है तो मैं वो चीज़ें इंक्लूडिंग डोमेन होस्टिंग के साथ साथ आपको 10,000 में ये चीज़ें डन हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना रहेगा, हम आपको इस तरह का पूरा टैम्पलेट हम आपको बना के देंगे। आपको क्या करना रहेगा, आपका प्रोडक्ट्स इनका रेट डालना रहेगा और आपके अपना प्रोडक्ट डालना रहेगा। आपको मैं प्रोडक्ट रेट जिस तरह से डालना रहे, कैसे हैंडलिंग करना, पूरा मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आप ये अगर कोई चेंजेस नहीं करेंगे इस पे तो 10,000 में ये डन। बट अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा आपके चेंजेस के ऊपर, रिक्वायरमेंट होगा आपके चेंजेस के ऊपर, कुछ उसमें कस्टमाइज होगा। जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें शॉपिंग मॉल की बात करी है कि इसमें किसी तरह के शॉपिंग मॉल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी की हो या फ्रेश ग्रोसरी की या ग्रोसरी मार्ट्स की, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन सारे ग्रोसरी के ही हैं, आइटम्स ग्रोसरी के हैं। इस तरह से आपके आर्टिफिशियल प्लांट का बनाना चाह रहे हैं, फूड का बनाना चाह रहे हैं, आप रेस्टोरेंट है या होटल्स वगैरह हैं, आप फूड का आप सप्लाई करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा फूड का है। अब इसमें टाइमर भी लगा सकते, देख रहे हैं ये टाइमिंग जो आपका ये ऑफर चल रहा है, इस तरह का टाइमिंग आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ईजी है और जबरदस्त चीज़ें हैं, बिल्कुल देखने में जबरदस्त है। ये आप इसे कंपैरिजन कर लीजिए, क्या फ्लिपकार्ट से कंपैरिजन कीजिए तो आपको फ्लिपकार्ट से कंपैरिजन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट अगर ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे जिस टाइप से फ्लिपकार्ट बनी हुई है, तो सेम उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट में यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर है, हाँ स्लाइडर इनका कुछ अलग अंदाज से है, इनका कुछ अलग है, तो लेकिन उसी अंदाज के यहाँ पे जैसे ये कुछ इमेजेस वगैरह हैं तो यहाँ पे भी इमेजेस हैं, आप भी इमेजेस लगा सकते हैं घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैटेगरी है, देखिए ये देख रहे हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं इसका, तो इसी तरह से इन्होंने भी रखा है, देखिए टॉप कैटेगरी पूरा कैटेगरी यहाँ पे आ गया। ये कैटेगरी स्लाइड वाइज है, आप इसको स्लाइड के सिस्टम से देख सकते हैं, इसको मोबाइल के व्यूज भी देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल के व्यूज आएगा, ये आपका मोबाइल के व्यूज आएगा, ये मोबाइल का व्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से मोबाइल में दिखेगा आपको स्लाइड, तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी तरह के चेंजेस करना चाहें उसमें लुक एंड फील करना चाहेंगे, उसका स्पेशल कैटेगरी है तो सेम इसी तरह का यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये कैटेगरी है तो इस तरह से ये है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फीचर्स हैं जो आप बना सकते हैं, बना के कर सकते हैं। ये इसका टैब का सिस्टम है, ठीक है। तो खैर, तो ये तो रही इसके सारे फीचर्स की। और रेट कवरेज, अगर आप खुद डेवलपर हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं आपको हेल्प करूं तो आप ये हेल्प मैं कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। इसको सारे इंस्टॉल करके हम आपको दे देंगे, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 जाएगी, इंक्लूडिंग आपको इसमें सारी चीज़ें, जो भी आप टेम्पलेट इसमें से चूज़ करना चाहेंगे कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। ये प्रीमियम थीम है और इस थीम आपको विद लाइसेंस के साथ आपको 5,000 में इंस्टॉलेशन का सिर्फ चार्ज पड़ेगा। उसके बाद आप अपना चेंजेस करना चाहें चेंज कर सकते हैं। बट पूरी वेबसाइट आप बनवाना चाहते हैं हमसे इंक्लूडिंग डोमेन होस्टिंग के साथ साथ, तो आपको अगर कोई चेंजेस नहीं कर रहा, कोई टेम्पलेट आपको पसंद है, इसमें से मैं सारा टेम्पलेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, इसका लिंक देख सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट आप पसंद कीजिए, कोई भी चेंजेस नहीं हो तो आप 10,000 में फाइनल। और जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस करना चाहेंगे, उसमें क्या बढ़ाना चाहेंगे घटाना चाहेंगे, किसी को एफिलिएट मार्केटिंग चाहिए, किसी को ऐसा है कि क्लॉथ की चाहिए तो क्लॉथ में ये देख सकते हैं। इसका क्लॉथ के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। किसी को अगर ये चाहिए कि मल्टी वेंडर की वेबसाइट चाहिए तो मल्टी वेंडर भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर, जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस होंगे, राइट। तो खैर, ये तो रही छोटी सी कोशिश हमारी थी ताकि हम आपको अच्छे से हम वीडियो के बारे में इसके बारे में हम बात कर सके आपसे। पर ये अभी तक मैंने डेस्कटॉप को भी हम लोग देख रहे थे, अब हम अगर चलते हैं इसमें मोबाइल में तो मोबाइल में किस तरह से दिखेगा। ये है पूरी वेबसाइट के, यहाँ पे कैटेगरी दिए हुए हैं पूरा A to Z सारे जो कैटेगरी हैं उसमें कैटेगरी के टाइप में वो सब हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट वाले को मैं ओपन करता हूँ, जो फर्स्ट वाले मैंने देखा है ग्रोसरी स्टोर के नाम से है, तो उसी को मैं ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ। ये आगे बड़ा खूबसूरत सा लेआउट दिख रहा है, ये आपका होम पेज दिखेगा, इस टाइप से आपका होम पेज दिखेगा, राइट। ये है आपका होम पेज, इस टाइप से होम पेज दिखेगा। यानी आप इसका एप्लीकेशन भी बनवाना चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बन जाएगा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ 5,000 में बनेगा, यानी टोटल अगर आप इंक्लूडिंग अगर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन चाहते हैं इस टाइप की तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 पड़ेगा। यानी आपका डिजाइनिंग का 5,000 पड़ेगा और आपका होस्टिंग का 5,000 पड़ेगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन का 5,000 पड़ेगा। टोटल कॉस्ट आपके 15,000 में डन। यानी लुक लाइक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आप 15,000 में बना सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। खैर, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। ये एक रिव्यू वीडियो था, तो ऐसे ही मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियो के साथ कि चीप एंड बेस्ट में कैसे आप ऑनलाइन अपना बिजनेस, ग्रोसरी के बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, और अपना का ऑनलाइन बिजनेस का ऑनलाइन ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही थोड़ी सी का ये वीडियो का, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, अपने एक पार्टनर्स को शेयर करें, दो पार्टनर को शेयर करें, ताकि हर एक तक एक जेन्युइन चीजें पहुंचे, ताकि हर एक को, किसी को अगर बनाना हो, अपने फ्रेंड्स हो उसको बनाना हो तो उसको उसको अच्छी चीजें उसको मिले। हमारी यही कामना है, हमारी यही कोशिश है। इसी वजह से हमारी कंपनी ने ये रिसेंटली ये काम शुरू किया है कि हम प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने लगे, जो हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं या जो हम खुद से डिजाइन करते हैं। इस बात की आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। तो खैर, फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।